रविवार रात से शुरू हुई बारिश ने जम्मू नगर निगम के बरसात से निपटने के सारे दावों को धो डाला। शहर के अधिकतर नाले ओवरफ्लो हो गए। इनका पानी गलियों से होता हुआ लोगों के घरों में जा घुसा। शहर के गांधीनगर में भी बहुत से घरों में पानी जा घुसा। त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन में करीब 5 फुट पानी क्षेत्र को जलमग्न कर गया। लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। बिजली के उपकरण तो खराब हुए ही, घरों में राशन पानी भी बर्बाद हो गया। अंबेडकर नगर में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और यहां करीब 50 घरों में जल भराव हुआ। सर, ये सुबह 7 बजे की बात है, ये आर्मी की फेंसिंग है हमारे साथ। ये सुबह 7 बजे इस तरह से हमें आवाज जिस तरह से आई कि कहीं जैसे बम फटता है ना, इस प्रकार की आवाज आई। जैसे ही हम देखने के लिए बाहर आए तो पूरे का पूरा जितना भी आर्मी का पानी था ये हमारे 3-4 घरों के अंदर घुस गया। और सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिलसिला 3-4 सालों से लगातार चल रहा है। हर एक बार मेरे घर में घुसा, एक बार मेरे पड़ोसी के घर में घुसा, या तीसरे के घर में घुसा, ये सिलसिला बार बार ऐसा चल रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे सोई हुई है। ऐसे ही नानक नगर के सेक्टर 7 की गली नंबर 15-16 में घरों के अंदर 2-3 फुट पानी घुस गया। सेक्टर 12 में भी नाला उफान पर होने से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। नानक नगर के सेक्टर 5 से गुजरने वाले लंडुई चोई नाले से पानी ओवरफ्लो होकर नाले का जो ऊपर लेंटर डाला हुआ उनको तोड़ के, क्योंकि पीछे से जो गंध आता है वो नालों के अंदर पड़ा हुआ है। नाले साफ नहीं हो रहे हैं, पानी की निकासी है नहीं है। नालों की चौड़ाई जिसकी 10-20 फुट थी वो अब 5-6 फुट रह गई है। नाले का बेड जो है वो ऊपर है, नालियों का बेड नीचे चला गया। पानी की निकासी नहीं है, लोगों को दुकानों के घरों में पानी जा रहा है, लोगों के बहुत नुकसान हो रहा है। स्मार्ट सिटी बननी अच्छी बात है, हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, लोगों को सहूलत मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो पहले वाली जो चीजें हैं उनको तो सुधारा जाए ना। साथ लगते घरों व दुकानों में घुस गया। दुदादारी चौक के नजदीक नाले के पास 2 स्कूटियां भी पानी में बहकर थोड़ी दूर जा घिरी। कई वाहन इस कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। संजय नगर में भी लोगों के घरों में पानी घुसा। दिग्याना के विभिन्न मोहल्लों में करीब 2 फुट पानी दुकानों व घरों में घुसा। यहाँ पे सबकी एक ही डिमांड है, एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये जो नाला कवर किया गया है इसको तोड़ना है। तो इसको जल्द से जल्द हम 1-2 दिन में इसका ऑर्डर करके, ऑर्डर क्या करना है, इसको तोड़ने का काम शुरू कर देंगे। मेरी जनता से यही अपील है, जो मोहल्ला वासियों से आप सहयोग करें, ताकि इसमें जो कोई रोकने का अगर कोई बात करेगा उसका इलाज हम भी करेंगे और आप लोग भी मिलकर करें। पूरा प्रयास है, पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में अगले साल यहाँ बरसात का पानी ना आए, इतना इसका पूरा प्रयास करें। सब लोगों का कहना है कि नाले पर स्लैब ना होती तो पानी चला जाता, नाला साफ हो सकता था। अब स्लैब की वजह से नाला साफ नहीं हो पा रहा। यही निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द ये जो नाले पर स्लैब पड़ी है, नाले पर इसे तोड़ा जाए। मेयर साहब को हमने आग्रह किया सबके सामने और इन्होंने कहा कि इसको जल्द तोड़ने का कार्यक्रम जो है शुरू करेंगे। मैं नानक नगर के साथ साथ नई बस्ती हो चाहे वो दूसरा इलाका हो, सारे क्षेत्र में आज जो है पानी लोगों के घरों में गया है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम बनता है कि वो ये देखे कि कहां कहां पानी लोगों के घरों में जा रहा है, उसका क्या कारण है। जो भी कारण हो उसको दूर करना हमारा दायित्व और फर्ज बनता है। और मेयर साहब और इनकी पूरी टीम है, ये पूरा जोर लगाएगी कि आने वाली बरसात में लोगों के घरों में पानी ना जाए।